हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का हम पेपर नंबर वन का एक पार्ट और सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इन क्वेश्चन को देखें और इसके पैटर्न को समझें, सो दैट क्योंकि आपको पेपर नंबर वन में जो है ये सभी के लिए कंपलसरी है और आगे के वीडियो में और आगे के जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आईसीटी और डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ वीडियोस बीएस एकेडमी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अबाउट मी, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम संदीप है और मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मेरे पास 2 साल का कार्य अनुभव है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। मैंने फिर उसके बाद सीएसआईआर एग्जाम एज अ जीआरएफ क्वालिफाइड किया इंजीनियरिंग साइंस में। इसके साथ साथ मैं सीबीएसई यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स और मैं इस समय रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम पेपर नंबर वन को सॉल्व करेंगे और पेपर नंबर वन के भी जो जून 2012 के जो पार्ट को एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो पार्ट आया था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर, तो देखिए, विच इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने से पता चल रहा है, तो जरा इसको देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो देखिए 2, 6, 12, 20, 30, 42 और 56, 2 और 6 के अंदर जो डिफरेंस है वो 4 का है, 4 और 6 के अंदर 6 का, 6 और 20 के बीच में 8 का डिफरेंस, 20, 30, 10 डिफरेंस, 30, 42, 12 डिफरेंस एंड 42, 56 14 का डिफरेंस। तो आगे जो नंबर आएगा उसमें 16 का डिफरेंस होगा, तो 56 प्लस 16 बनकर बनता है 72। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है वो 60 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 72 इज द करेक्ट आंसर। तो आवर आंसर इज 72। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेक्स्ट लेटर फॉर द सीरीज और ऑफ द सीरीज YVSP। इसको चाहे तो हम इसको एक नंबर दे सकते हैं हर अल्फाबेट को, अदरवाइज बट फिर भी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको हम एक बार करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको फिर भी एक जो कॉमन जो प्रैक्टिस होती है स्टूडेंट वो कैसे करते हैं बता दूं। तो स्टूडेंट पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट्स को लिखते हैं MNOP, देन ऐसे भी करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा इसमें, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, आप जल्दी से इसको लिख दीजिए। अब देखिए Y तक था, तो Y और V के अंदर WX जो है वो फिक्स थे, देन V एंड S, T और U, यानी दो अल्फाबेट का अंतर इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी दो आ रहा है। S के बाद हमारा है P, यानी QR आ गया, इसमें भी दो अल्फाबेट का आया, और जो नेक्स्ट आएगा तो उसके बाद भी दो का आएगा, यानी N और O, तो यानी जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट जो आएगा M आएगा। M is the correct answer, यानी N नहीं है, O भी नहीं है, L भी नहीं है, तो B is the correct answer, M is the correct answer। बहुत simple question था, इसमें हम चाहें तो इनको, जैसे आप Y को एक number दे सकते हो, जैसे alphabet में Y का number हो तो 25, उसी तरह से V को भी number दे सकते हैं आप, 25, 24, 23, 22 होता है, उसी तरह से S को आप ले सकते हैं 19 करके, P का आपका number होता है 16, तो 3-3 कम हो रहा है, तो जो आगे नंबर आएगा वो आपका आएगा 13, तो 13 नंबर का जो होता है अल्फाबेट होता है वो M होता है। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको एक बताया था HOT, EJOTY, ये क्या होता है देख लेते हैं। E जो हमारे जो अल्फाबेट होते हैं A से लेकर Z तक, वो 1 से लेकर 26 तक होते हैं। मैं जरा इसको क्वेश्चन के तरीके को जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो E यानी ई जो होगा 5th नंबर का अल्फाबेट होगा, जे होगा 10th का, 15th का, ओ टी जो होगा 20 का, और वाई जो होगा वो 25 का होगा। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, तो एक वर्ड बन जाता है, आप उसको AJOTY नाम से इसको लिख सकते हैं, तो ये आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आप इसी को सीक्वेंस को याद करें और बाकी आपको चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट इन अ कोड लैंग्वेज 645 मींस day is warm, okay, 42 means warm spring and 634 means spring is sunny, then which does it represent sunny, yani sunny jo word hai wo kis digit se represent ho raha hai,
दिस इज अवर क्वेश्चन। तो देखिए पहले तो देखिए सनी किस अल्फाबेट या किस वर्ड में आ रहा है, किस सेंटेंस में आ रहा है। तो अगर हम देखें स्प्रिंग इज सनी यानी 634 में जो लिखा है वो लिखा है स्प्रिंग इज सनी। ओके, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी बट स्टिल मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए सिक्स पहले में भी था 645 जिसमें था डे इज वॉर्म, इसमें कोई सनी के बारे में कोई बात नहीं हुई तो सिक्स इसका आंसर नहीं होगा, सिक्स भी नहीं होगा क्योंकि सिक्स में डे इज वॉर्म या तो उसका सिक्स का सिक्स या तो डे होगा या इज होगा या वॉर्म होगा, तो सिक्स इसका सनी तो नहीं हो सकता। देन 42 यानी 42 रिप्रेजेंट वॉर्म स्प्रिंग। अब 42 जो रिप्रेजेंट करता है वो वॉर्म स्प्रिंग करता है यानी 4 का मतलब वॉर्म भी हो सकता है, 4 का मतलब स्प्रिंग भी हो सकता है, ये कॉमन सिनेरियो है। ठीक है, तो 4 हमारे में है तो 4 हमारा स्प्रिंग नहीं होगा, तो जो बच गया जो हमारा जो एक नंबर बचा हुआ है उसी का मतलब केवल सनी है यानी 3 इज अवर करेक्ट आंसर। तो 3 जो है वो सनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 इज द करेक्ट आंसर यानी ए इज करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, रीजन एंड असर्शन। देखिए रीजन एंड असर्शन की अभी मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई नहीं है तो उसमें हम जो रीजन और असर्शन के कैसे क्वेश्चन होते हैं उसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले असर्शन, तो असर्शन के जो ये एक आपको एक स्टेटमेंट दिया है, असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दिया है। अब ये जो असर्शन है इस असर्शन के ऊपर एक रीजन आपको आएगा यानी वो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह से हमारे ऑप्शन दे रखे हैं जैसे A is true, R is doubtful and R is not correct explanation of A. आप इनकी जरा एक बार इसकी choice को देखिए, A is false, R is true and R is the correct explanation of A. Okay, A is doubtful, R is doubtful and R is not a correct explanation of A. Next है, A is doubtful and R is true and R is not a correct explanation of A. तो इस तरह के questions reason assertion में आते हैं। तो सबसे पहले हम directly assertion में पहुंचते हैं, तो question क्या जरा देखें, There are more laws on the book today, okay, than ever before. एंड मोर क्राइम्स बीइंग कमिटेड देन एवर बिफोर, यानी इसका अर्थ है हमारे पास पहले से ज्यादा लॉस की बुक है और अब फिर भी क्राइम पहले से की तुलना में ज्यादा होते हैं। यानी इसमें प्राचीन काल की बात की गई है, आज से अगर 100 साल पहले की बात करें, 100 साल के पहले के जो लॉ थे, अगर आज का हम इंडिया देखते हैं, हम इंडिया को एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो आज का अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया का 100 साल के पहले का लॉ और आज के लॉ में बहुत अंतर आ गया, हमने हर चीज का हमने रूल्स रेगुलेशन डिफाइन कर दिए हैं, बट स्टिल ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, स्टिल मोर क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड देन एवर बिफोर। ये स्टेटमेंट जो है एकदम ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड एंड ट्रू। ओके, नाउ रीजन, बिकॉज टू रिड्यूस क्राइम वी मस्ट एलिमिनेट द लॉ, because to reduce crime we must eliminate the laws, का मतलब हुआ कि अगर हमें crime को reduce करना है तो हमें laws को eliminate करना पड़ेगा। ये जो statement है वो देखने से पता चलता है कि law को eliminate करने की कोई जरूरत नहीं है, so this statement is false or maybe doubtful. Okay, now and this is not the explanation of assertion, यानी R जो है आपका वो A को proof नहीं कर रहा है यानी वो उसका correct explanation नहीं है। तो इसमें से कौन सा चॉइस है जरा देखें, ए इज ट्रू, आर इज डाउटफुल एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज अ करेक्ट, ए इज करेक्ट। ओके, बट स्टिल हम दूसरे को देख लेते हैं, बी सी डी में क्या है, ए इज फॉल्स, ये खुद ही फॉल्स हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ए इज करेक्ट, ए इज डाउटफुल ये भी गलत हो गया, ए इज डाउटफुल स्टिल डाउटफुल गलत हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ए इज द करेक्ट आंसर यानी ए इज ट्रू एंड आर इज डाउटफुल एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। Okay, students. Next question. Question number 5th. Which one of the following is not an argument? इनमें से कौन सा argument नहीं है? देखिए, argument का मतलब होता है जब आप किसी को कोई दलील देते हैं, तो दलील के अंदर आप उसको बताते हैं कि क्यों आप वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो argument की पूरी theory हम आगे video में देखेंगे, जब मैं reasoning और aptitude के part को मैं जब पूरा detail में बताऊंगा, तो अगर आप इसमें जो option है जरा देख लेते हैं। देवदत्त डज नॉट ईट इन द डे सो ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट, यानी देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है तो वो रात में खाना खाता होगा, ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट। इफ देवदत्त इज ग्रोइंग फैट एंड इफ ही डज नॉट ईट एट ड्यूरिंग द डे ही विल बी ईटिंग एट नाइट। ओके, देवदत्त ईट इन द नाइट सो ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, यानी देवदत्त जो है वो नाइट में खाना खाता है इसलिए वो दिन में खाना नहीं खाता है। इट इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट, ये भी आर्ग्यूमेंट लग रहा है, पहला वाला भी आर्ग्यूमेंट लग रहा था,
एंड लास्ट इज सिंस देवदत्त डज नॉट ईट इन द डे ही मस्ट बी ईटिंग इन द नाइट, यानी देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है और रात में इसलिए खाना खाता है क्योंकि दिन में खाना नहीं खाता है। ठीक है, ए को बी को डी को जो कहा गया है वो एक ही स्टेटमेंट है, बट उनको कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। बट अगर बी को देखा जाए, देवदत्त मोटा हो रहा है एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे ही विल बी ईटिंग एट नाइट, ये जो है ये आर्गुमेंट नहीं है, फुल स्टॉप लिखना बोल गया, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी जो तीनों है वो आर्गुमेंट है क्योंकि आपने आपने अपनी दलील दी है। सो ही मस्ट, थर्ड में सो ही डज नॉट, एंड डी में सीन्स, तो इसमें कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसमें तरह का कोई वर्ड नहीं है, तो जो बी है बी इज नॉट एन आर्गुमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इफ देवदत्त इज नॉट ग्रोइंग ओल्ड इज ग्रोइंग फैट एंड इफ ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे ही विल बी ईटिंग एट नाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम इज काइंड ऑफ डायग्राम टू, यानी वेन डायग्राम से क्या करते हैं, ये वेन डायग्राम की पूरी डेफिनेशन है। ओके, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। रिप्रेजेंट एंड असेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंसेस ऑफ द सिलोजिज्म फॉर्म। ओके, रिप्रेजेंट बट नॉट असेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंसेस ऑफ सिलोजिस्टिक फॉर्म, रिप्रेजेंट एंड असेस द ट्रुथ ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंसेस ऑफ द सिलोजिस्टिक फॉर्म एंड असेस बट नॉट रिप्रेजेंट ट्रुथ ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंसेस ऑफ सिलोजिस्टिक फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो देखिए वेन डायग्राम की ये जो डेफिनेशन होती है मैं बता देता हूं, इट रिप्रेजेंट एंड असेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंसेस ऑफ द सिलोजिस्टिक फॉर्म, यानी ए जो है वो इसका करेक्ट है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम से एक्चुअली में हम किसी भी एलिमेंट्री फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ में उनकी वैलिडिटी यानी जो मैंने बताया इसकी वैलिडिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके स्टूडेंट, ट्रू एंड फॉल्स में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह का हम स्टेटमेंट को बता सकते हैं। ठीक, तो इसका वेन डायग्राम एंड वेन डायग्राम इज अ काइंड ऑफ डायग्राम टू रिप्रेजेंट एंड असेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री inferences of syllogistic reforms. Okay, straight. So A is the correct answer. Next question. Question number 7th. The price of petrol increased by 25%. Yani price jo hai petrol ka increase ho gaya 25%. By what percent must the customer reduce the consumption so that the earlier bill on the petrol does not alter? Yani aapka jo pehle ka jo expenditure hai, aap usme koi bhi chhedkhani nahi karna chahte hain. पहली बात तो आप ही सुनिए, यानी अगर आपका पहला जो खर्चा 100 रुपए का आ रहा था, आज भी 100 रुपए का खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, तो अगर पेट्रोल का प्राइस 25% इंक्रीज हो जाएगा तो कितना परसेंट वो रिड्यूस करेगा अपने कंजम्पशन को सो दैट उसके बिल में कोई भी एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना हो। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन पेपर में आए थे, तो फिर से क्वेश्चन को इसी तरह से रिपीट हुआ है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब हो, तो अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो यानी इसको हम एक एनालॉजी फॉर्म में ले लेते हैं, तो पेट्रोल देखो प्राइस को ए ले लेते हैं, पेट्रोल को बी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर एक चीज ले लेते हैं कि अगर ए की वैल्यू बी से 25% अधिक है, अगर ए की वैल्यू बी से 25% अधिक है तो बी की वैल्यू ए से बी की वैल्यू ए से कितने परसेंट कम होगी। तो कोई आदमी कहेगा भाई 25% एकदम गलत है, तो इसमें ए को कंपेयर कर रहे हैं आप बी से, तो उसमें बी को कंपेयर करोगे ए से। तो इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। तो जब भी कोई प्राइस अगर ए की वैल्यू बी से इंक्रीज आ रही है तो आप इसको लिखोगे पी बाय पी प्लस 100 या 100 प्लस पी, व्हाटएवर, ये परसेंटेज में आ जाएगा आपका आंसर। अगर ए की वैल्यू बी से कम हो रही है तो उसमें लिखोगे आप P अपॉन 100 माइनस पी। ठीक है स्ट्रेस, तो ये इस तरह से करने का तरीका होता है। तो देखिए इसमें वैल्यू है 25% अधिक हो रही है तो उसमें यानी पहला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो उसमें कैसे करेंगे 25 अपॉन 100 प्लस 25, यानी ये कितना होगा, ये परसेंटेज है पूरा, तो 25 अपॉन 125 यानी 1/5, और 1/5 कितना होता है स्ट्रेस 20% होता है। कैसे 1/5 20% होता आगे देख लेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर वही 25% है, क्योंकि आप फिर यहाँ पे 100 लिखोगे और 100 को डिवाइड करोगे 20 से 20% ही आएगा। 20% इज द करेक्ट आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इज द करेक्ट आंसर।
बी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, यानी आपको अपने कंजम्पशन में 20% का रिडक्शन करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट आवर एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राम नोज दैट वाई इज एन इंटीजर एंड ग्रेटर देन वाई एंड लेस देन 7 एंड हरी नोज दैट वाई इज एन इंटीजर एंड ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10 देन दे मे करेक्टली कंक्लूड दैट. ओके, नाउ पहले राम की बात कर लेते हैं. राम क्या कहता है? राम ये कहता है कि जो इंटीजर है उसकी वैल्यू 2 से तो अधिक है, ज्यादा है, बट 7 से कम है. ओके, एंड हरी ये कहता है कि जो वाई की वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है एंड 10 से कम है. ठीक है, तो जरा हम इसे कंपेयर करके देख लेते हैं. तो देखिए, वाई जो राहुल राम कह रहा है कि राम ये कह रहा है कि वाई की वैल्यू 2 से तो ज्यादा है बट 7 से कम है. हरी कह रहा है कि 5 वाई की वैल्यू 5 से तो ज्यादा है बट 10 से कम है. तो देखिए, 2, 3 और 4 इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं हो सकता, वाई की वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि हरी राम कह रहा है 2 और हरी कह रहा है 5, तो इनके जो बीच के 3 नंबर हैं वो गायब हो गए, यानी 2, 3, 5 जो है वो वाई की वैल्यूज नहीं हो सकती. उसी तरह से वाई, अब राम ने 7 बोला, 7, 8, 9, 10 ये वैल्यू भी नहीं होंगी क्योंकि वाई की वैल्यू कहां तक है, 7 तक ही है, बट हरी ने 10 तक इसको इंक्रीज कर दिया, यानी 7, 8, 9, 10 इसकी वैल्यू के आंसर नहीं हो सकते. ठीक है स्टूडेंट्स, अब बचा जो आंसर है, यानी बची जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू केवल और केवल 6 हो सकती है. यानी वाई इज एग्जैक्टली डिटरमाइंड, यानी वाई में भी अगर 2 of 2 वैल्यूज ये गलत है, वाई में भी एनी ऑफ 3 वैल्यूज ये भी गलत है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ वाई सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ये भी गलत है क्योंकि सैटिस्फाई कर रही है नहीं. वाई कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड, ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी वाई इज इक्वल्स टू 6, दिस इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फोर पाइप्स कैन फिल अ रिजर्वॉयर इन 15 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर एंड 60 आवर रिस्पेक्टिवली. द फर्स्ट वन वाज ओपन एट 6 AM. ओके, यानी 15 घंटे में जो पूरा करता है उसको आपने 6 बजे खोला, दूसरे को आपने जो 20 घंटे में पूरा करता है भरता है उसे 7 बजे खोला नल को, और 30 घंटे में जो करता है उसको 8 बजे खोला, और लास्ट में जो 60 आवर्स में जो नल को फिल करता है, सॉरी टैंक को फिल करता है, वो 9 AM. यानी आपके पास 4 पाइप है, एक 15 घंटे में पूरा भरता है किसी टैंकर को, दूसरा 20 आवर्स में, तीसरा 30 आवर्स में, और चौथा है 60 आवर्स में. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले वाले को आपने 6 एएम पे खोला 6 बजे सुबह के, दूसरे वाले को आपने 7 बजे खोला, तीसरे वाले को 8 बजे खोला, और चौथे वाले को 9 बजे खोला. तो आप ये बताना है कि टैंकर है हमारा, रिजर्वायर है, कितने बजे भर जाएगा, कितने बजे फिल हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, 15, 20, 30 और 60 इसका एलसीएम ले लेते हैं. तो देखिए, 15, 20 का एलसीएम 30 और 30 का एलसीएम 60 आपका 30 नहीं आएगा, 60 ही आएगा, और 60 का और 30 का एलसीएम भी 60 आएगा, देन 60 और 60 का एलसीएम भी 60 आएगा, यानी हमारे पास 60 जो है वो एलसीएम आ गए. ठीक है स्टूडेंट्स, ये 60 हमारे पास एलसीएम आ चुका है, तो 60 यूनिट्स ऑफ वर्क अपने को करना है टोटल. ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, जरा इसको देखिएगा. तो पहले आप क्या करिए, 15, 20, 30 और 60 को 60 आप इनका एलसीएम लीजिए, ये 60 यूनिट हो गया. अब देखिए 60 यूनिट्स हो गया, यानी अब 15 वाला जो, अगर 15 घंटे वाला काम करेगा हर घंटे में, उसको 60 यूनिट्स कंप्लीट करने में कितना करना पड़ेगा, 4 यूनिट कंप्लीट करना पड़ेगा पर आवर. ओके, उसी तरह से 20 यूनिट्स वाले को 60 यूनिट एग्जॉस्ट करने के लिए हर घंटे कितना काम करना पड़ेगा, 3 यूनिट. ओके स्टूडेंट्स, 30 वाले को 60 यूनिट एग्जॉस्ट करने के लिए 2 यूनिट हर घंटे काम करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ लास्ट है 60 वाले को 60 यूनिट कंप्लीट करने के लिए हर घंटे में 1 यूनिट काम करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब 6 से लेकर 7 बजे तक केवल एक ही काम कर रहा है, यानी 4 यूनिट एग्जॉस्ट हो गई, 4 यूनिट एग्जॉस्ट हो गई क्योंकि एक ही पाइप काम कर रहा था, वो भी 15 घंटे वाला जो पूरा भरता है, ए मान लेते हैं इसको. अब 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 पाइप काम कर रहे हैं, एक को 4 यूनिट लगा और एक को 3 यूनिट लगा 20 घंटे वाला. ठीक है, तो कितने हो गए,
सेवन यूनिट, ठीक है, सेवन यूनिट। अब 8 से 9 बजे तक 3 पाइप काम करेंगे, क्योंकि 3 पाइप हमारे ऑन है 8 बजे, तो पहले ने 4 किया, दूसरे ने 3 किया और तीसरे ने 2 किया, ठीक है, तो कितने हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो देखिए 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे पास कितनी यूनिट भर गया पानी, पहले में 4 हुआ, देन दूसरे में 7 हुआ, तीसरे में 9 हुआ, 20 यूनिट्स हमारा जो वर्क है वो हो चुका है। जैसे थोड़ा मैं डिटेल बता रहा हूं तो प्लीज आप जरा देखिएगा, 20 यूनिट्स हमारा वर्क हो चुका है। अब बचा हुआ जो काम है, बचे हुए काम कितना बचा है हमारा, हमारे पास टोटल यूनिट था 60 यूनिट, अब 60 यूनिट को कंप्लीट, हमारा 20 हो चुका है, यानी 40 यूनिट अभी भी हमारे पास काम बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब बाकी का यानी 9 बजे तक हमारे पास 20 यूनिट एग्जॉस्ट हो गई, अब बाकी का 40 यूनिट काम करने के लिए हमारे पास कितनी यूनिट होनी चाहिए, 4 यूनिट, ये भी चलेगा, 4, 3, 7, 7 और 2, 9 और 9 और 1, 10, यानी हमें 4 घंटे और लगेंगे इस टैंकर को भरने के लिए 9 बजे के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 घंटे और लगे, तो 9 में आप 4 घंटे जोड़ दीजिए तो आपका 13 बज जाता है, और 13 बजना का मतलब होता है 1 बजना, ठीक है, यानी 1 PM पर हमारा टैंकर भर जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, अगर चारों पाइप घंटे खराब काम करेंगे तो। सी जो है उसका करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से बता देता हूँ, प्लीज इसको जरा समझिएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपने रीजनिंग के लिए। तो अब देखिएगा 15, 20, 30 और 60 यूनिट्स आपके काम हो चुका है, हमने बताया था कि इतना आपका, आपके टैंकर इतने घंटे काम करते हैं तो आपका एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपका 60 यूनिट्स आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि 15 वाला अगर 60 यूनिट को कंप्लीट करेगा तो हर घंटे में वो 4 यूनिट्स वर्क करेगा, ओके, 20 घंटे वाला जो रिजर्वर को भर रहा है वो 3 यूनिट्स कंप्लीट करेगा, ओके, एंड लास्ट में 30 यूनिट वाला 2 यूनिट्स करेगा और 60 आवर्स वाला 1 यूनिट करेगा, ये बात समझ में आती है। तो यानी चारों अगर इकट्ठे काम करते हैं तो 6 घंटे में पूरा भर देते हैं, क्योंकि 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 9, 1, 10, तो 6 घंटे में भर देते हैं। बट अब 6 से 7 तक केवल एक ही टैंकर काम कर रहा है, 7 से 8 तक 2 टैंकर काम कर रहे हैं और 8 से 9 तक 3 टैंकर काम कर रहे हैं, 9 बजे के बाद हमारे 4 टैंकर काम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 6 से 7 केवल 4 यूनिट एग्जॉस्ट हुई, 7 से 8 पे 7 यूनिट एग्जॉस्ट हुई और 8 से 9 तक यानी हमारी 9 यूनिट एग्जॉस्ट हुई, तो 4, 4, 7, 11, 11 और 9, 20 एंड 20 के बाद हमारी 40 बज गई और 40 को करने के लिए 4 आवर चाहिए होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 9 यानी 9 बजे से लेकर 9 AM प्लस 4 आवर्स तो कितना होगा, 1 PM, ठीक है स्टूडेंट्स, जरा समझिएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी इनमें से कोई भी नहीं है, बाकी केवल सी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 6 पर्सन ए बी सी डी एंड ई एफ आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, ए इज बिटवीन ई एंड डी एंड एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी एफ डी के लेफ्ट में एंड हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ठीक है, चलो चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये थोड़ा सर्कुलर अरेंजमेंट है, कभी कभार रोज और कॉलम्स के भी आते हैं। तो बी इज बिटवीन एफ एंड सी, बी यानी एक सर्कल बना लेते हैं, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, जरा पोजीशन देख लेते हैं, हम इसको चेंज करते रहेंगे, एफ बी और सी, ओके, एंड ए इज बिटवीन ई एंड डी, ए is between E and D, okay? Now F is to the left of D, यानी F जो है वो D के left में है, but D के left में C है, तो position change करिए, तो F यहाँ जाएगा और C यहाँ पर आ जाएगा, okay students? तो अब देर हम फिर से देख लेते हैं हमारा जो हमें statement दिया है वो correct है नहीं। Now B is between F and C, जरा check कर लें, B is between F and C, yes, B and C, F and C है, ठीक है। A is between E and D, E A is between E and D, and F is to the left of D, okay? F के left में, D के left में, F जो है वो D के left में, okay? Now who is between A and F? A and F के बीच में कौन है? A ये रहा और F ये रहा, तो उनके बीच में कौन है? D है, यानी D is the correct answer. D is the correct answer. ठीक है students? तो students हमने इसमें reasoning और aptitude के part में June 2012 का question पेपर सॉल्व किया, तो हमने क्वेश्चन को देखा कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये राइट अप्रोच थी, क्योंकि इसमें हाँ हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन फ्री भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो वो मेरे को मेल करके पूछ सकते हैं। और आगे के वीडियो में हम और भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड के पार्ट्स
सॉल्व करते रहेंगे। साथ में अभी मैंने कम्युनिकेशंस और रीजनिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी और जीएस का पार्ट यानी एनवायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट इंक्लूड नहीं किया है, वो आगे के वीडियो में हम अपलोड कर आगे के फ्यूचर्स के वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो अगर फिर भी कोई स्टूडेंट कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है या फिर ऑन डिमांड कोई वीडियो क्रिएट कराना है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट, और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मेल भी किए हैं सिलेबस के पार्ट को ऐड करने के लिए कि पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के जो सिलेबस है उनको बहुतों को पता नहीं है। तो मैं आगे वीडियो में सिलेबस की एक पूरी सीरीज लॉन्च कर दूंगा जिसमें आपको केवल सीरीज यानी सिलेबस के केवल गाइडलाइन को ही बताएंगे, ज्यादा मैं डिटेल बताने की उसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे जो वो क्या कहते हैं उसमें जो मेरा मेजर सब्जेक्ट है वो नहीं है इनमें से कोई सा भी। तो आगे वीडियो में सिलेबस की भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है सो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।